हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया एक और वीडियो जो कि रिगार्डिंग है सपोर्ट वेक्टर मशीन एस वी एम एल्गोरिथम के ऊपर। सो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो एस वी एम है, बहुत ही पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि लीनियर और नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन हो या फिर आउटलायर डिटेक्शन टास्क हो, उन सब के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन या फिर कोई भी आउटलायर डिटेक्शन टास्क हो, कोई भी आउटलायर डिटेक्ट करना है अपनों को, तो उस टास्क के अंदर भी एस वी एम को हम यूज़ करते हैं। एस वी एम कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क सच एज टेस्ट क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, स्पैम डिटेक्शन, हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, फेस डिटेक्शन एंड एनोमली डिटेक्शन। एस वी एम्स आर अडेप्टेबल एंड एफिशियंट इन वेराइटी ऑफ अप्लीकेशन बिकॉज दे कैन मैनेज हाई डायमेंशनल डेटा एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स। एस वी एम जो सपोर्ट वैक्टर मशीन है, एल्गोरिदम्स आर वेरी इफेक्टिव एज वी ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम सेपरेटिंग हाइपर प्लेन। हम एक ऐसा हाइपर प्लेन ढूंढ रहे हैं जो कि उसको जो डिफरेंस डिफरेंट क्लास है उनको डिवाइड कर सके। ठीक है, ऐसे हाइपर प्लेन को अपन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। सो वी ट्राई टू मैक्स फाइंड द मैक्सिमम सेपरेटिंग हाइपर प्लेन बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल इन द टारगेट फीचर्स। तो एक जो टारगेट फीचर आप प्रोवाइड करवा रहे हो, उससे दो क्लासेस बनेगी और उस क्लासेस को किस तरीके से, किस हाइपर प्लेन से अपन सेपरेट करेंगे, उसके लिए हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट वेक्टर मशीन इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज में होती है। दो वी से रिग्रेशन प्रॉब्लम्स एज वेल इट्स बेस्ट सुटेड फॉर क्लासिफिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस वी एम एल्गोरिदम इज टू फाइंड द ऑप्टिमल हाइपर प्लेन्स। इसका काम ये है कि ये ऑप्टिमल हाइपर प्लेन को ढूंढ के लाए इन अ एन डायमेंशनल स्पेस दैट कैन सेपरेट द डेटा पॉइंट्स इन डिफरेंट क्लासेस इन द फीचर स्पेस। जो फीचर स्पेस है, जिसको अपन वैक्टर स्पेस भी बोलते हैं, उसके अंदर। देखिए, इसका मतलब है सपोर्ट वैक्टर का वैक्टर मशीन का मतलब ये है कि वेक्टर, एक हमारे पास में वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर हम हाइपर प्लेन ढूंढ के लेके आ रहे हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस को सेपरेट करेगा। बस इतना ही समझो यार। द हाइपर प्लेन ट्राइज दैट द मार्जिन बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंट क्लासेस शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। जो मार्जिन हो, दो क्लासेस, दो क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट है डिफरेंट क्लासेस के, उनका मार्जिन जितना हो सके उतना दूर हो। मतलब कि जो दो पॉइंट हमारे पास में, मैं इससे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारे पास में दो क्लासेस हैं, ठीक है, इसके इसके पॉइंट यहाँ पर हैं और दूसरी क्लास के पॉइंट यहाँ पर हैं। ठीक है, अब ये दो क्लोजेस्ट पॉइंट कौन से हैं? ये दो क्लोजेस्ट पॉइंट हैं। इन दोनों के बिटवीन जो मार्जिन डिस्टेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट कर सकें। अगर ये नहीं है तो दिक्कत होगी। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि इनको हम सेपरेट करने में सक्षम रहें। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स इज टू, देन द हाइपरप्लेन इज जस्ट अ लाइन। हाइपरप्लेन एक जस्ट लाइन होगी। इफ द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स इज थ्री, देन द हाइपरप्लेन बिकम 2D प्लेन। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इमेजिन वेन द नंबर ऑफ फीचर्स एक्सीड्स 3। लेट्स कंसिडर टू इंडिपेंडेंट फीचर्स X1 एंड X2 एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज आइदर अ ब्लू कलर सर्किल और अ रेड सर्किल। सो हेयर विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन यू कैन सेपरेट एंड यू कैन सी द बेस्ट हाइपर प्लेन हेयर इज दिस हाइपर प्लेन। दिस इज द बेस्ट हाइपर प्लेन एज यू कैन सी दैट। हाउ डज एस वी एम वर्क? एस वी एम काम कैसे करता है? वन रीजनेबल चॉइस एज द बेस्ट हाइपर प्लेन इज द वन दैट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट सेपरेट और मार्जिन डिस्टेंस द टू क्लासेस। दो क्लासेस के बिटवीन कितना मार्जिन डिस्टेंस है, ठीक है, उनके क्लोजेस्ट पॉइंट का। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसका इससे भी डिस्टेंस अच्छा है और इससे भी डिस्टेंस अच्छा है L2 का। इन दोनों से डिस्टेंस मतलब बहुत अच्छा डिस्टेंस है, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ये L1 नहीं हो सकती, ये हाइपर प्लेन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इससे तो ज़्यादा डिस्टेंस रखता है लेकिन इससे बहुत कम डिस्टेंस है। तो दोनों का, हमें दोनों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सो वी चूज द हाइपर प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम इट टू द नियरेस्ट डेटा पॉइंट ऑन ईच साइड इज मैक्सिमाइज्ड। इफ सच अ हाइपर प्लेन एग्जिस्ट इट इज़ नॉन एज द मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन और हार्ड मार्जिन। सो फ्रॉम द अबव फिगर वी चूज L2। L2 लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो लाइक शोन
बिलो। अब ऐसा एक ये कंसीडर करना है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हियर वी हैव वन ब्लू बॉल इन द बाउंड्री ऑफ द रेड बॉल, सो हाउ डज एसवीएम क्लासिफाई द डेटा, इट इज सिंपल, द ब्लू बॉल इज द बाउंड्री ऑफ द रेड वंस इज एन आउटलायर ऑफ द ब्लू बॉल्स, ये एक आउटलायर है, आउटलायर को भगाओ बाहर, आउटलायर की हमें जरूरत ही नहीं है, इसीलिए आउटलायर को पहले से ही आप हैंडल कर लो, द एसवीएम एल्गोरिथम हैज द करेक्टरिस्टिक्स टू इग्नोर द आउटलायर्स एंड फाइंड द बेस्ट हाइपरप्लेन दैट मैक्सिमाइज द मार्जिन, एसवीएम इज रोबस्ट टू हाइप आउटलायर्स, ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स वॉट एसवीएम डज इज फाइंड द मैक्सिमम मार्जिन एज डन विद प्रीवियस डेटा सेट अलॉन्ग विद दैट इट एड्स अ पेनल्टी ईच टाइम अ पॉइंट क्रॉसेस द मार्जिन, सो द मार्जिन मार्जिन्स इन दीज टाइप्स ऑफ केसेस आर कॉल्ड सॉफ्ट मार्जिन्स, वैन देर इज अ सॉफ्ट मार्जिन टू डेटा सेट द एसवीएम ट्राइज टू मिनिमाइज, हाउ टू मिनिमाइज इट, वन अपॉन मार्जिन प्लस जो पावर है समेशन ऑफ ऑल द पेनल्टीज, ओके, सो इट डज वर्क लाइक दिस, सो दिस इज द फॉर्मूला, हिंज लॉस इज अ कॉमन यूज्ड पेनल्टी, जो हमारे पास में हिंज लॉस है उसे हम कॉमनली यूज्ड पेनल्टी बोलते हैं, इफ नो वॉयलेशन नो हिंज लॉस, इफ वॉयलेशन हिंज लॉस प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ वॉयलेशन, टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट लीनियरली सेपरेबल डेटा, द ग्रुप ऑफ ब्लू बॉल्स एंड रेड बॉल्स आर सेपरेबल बाई अ स्ट्रेट लाइन, वॉट टू डू इफ द डेटा आर नॉट लीनियरली सेपरेबल लाइक दैट, इफ द डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, सो वॉट टू डू इन दिस केस, से आवर डेटा इज शोन इन फिगर अबोव, एस वी एम सॉल्व दिस बाई क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल यूजिंग अ कर्नल, वी कॉल अ पॉइंट एक्स आई ऑन द लाइन एंड वी क्रिएट अ न्यू वेरिएबल वाई आई एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन जीरो, सो इफ वी वॉन्ट टू प्लॉट दिस वी गेट समथिंग लाइक दिस फिगर, ओके, सो बिकॉज वी हैव मेड वन मोर डायमेंशन फॉर दैट, सो इन दिस केस द न्यू वेरिएबल वाई इज क्रिएटेड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, नॉन लीनियर फंक्शन दैट क्रिएट्स अ न्यू वेरिएबल इज रेफर्ड टू एज अ कर्नल, ओके, सो देयर वी हैव टर्मिनोलॉजी लाइक हाइपर प्लेन इज देयर, सपोर्ट वैक्टर, सपोर्ट वैक्टर क्या हो गया, क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स हो गए टू द हाइपर प्लेन्स, ठीक है, सपोर्ट वैक्टर्स वो वैक्टर्स होते हैं जो कि क्लोजेस्ट पॉइंट जो डेटा पॉइंट्स होते हैं हाइपर प्लेन के, उसे हम सपोर्ट वैक्टर बोलते हैं, विच मेक्स अ क्रिटिकल रोल इन डिसाइडिंग द हाइपर प्लेन एंड मार्जिन्स, जो कि हाइपर प्लेन और मार्जिन्स को बनाने में सबसे क्रिटिकल रोल अदा करते हैं, मार्जिन क्या हो गया, मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट वैक्टर एंड हाइपर प्लेन, जो हाइपर प्लेन और जो इसका क्लोजेस्ट पॉइंट के जो डिस्टेंस होते हैं जिसको हम सपोर्ट वेक्टर भी बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर और जो हाइपर प्लेन के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम इज टू मैक्सिमाइज द मार्जिन, द वाइडर मार्जिन इंडिकेट्स बिटवीन क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस, ओके, कर्नल कर्नल इज द मैथमेटिक फंक्शन, इट कैन बी लीनियर नॉन लीनियर पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक विच इज यूज इन एस वी एम टू मैप द ओरिजिनल इनपुट डेटा पॉइंट्स इन टू हाई डायमेंशनल फीचर स्पेसेस सो दैट द हाइपर प्लेन कैन बी इजिली फाउंड आउट इवन इफ द डेटा पॉइंट्स आर नॉट लीनियरली सेपरेबल इन द ओरिजिनल इनपुट स्पेस, सम ऑफ द कॉमन कर्नल फंक्शंस आर लीनियर पॉलीनोमियल रेडियल बेसिस फंक्शंस, जिसे हम आर बी एफ भी बोलते हैं, सिग्मॉइड ऑल्सो, देन वी हैव हार्ड मार्जिन, हार्ड मार्जिन क्या हो गया, द मार्जिन मैक्सिमम जो मार्जिन होता है हाइपर प्लेन या फिर हार्ड मार्जिन हाइपर प्लेन इज अ हाइपर प्लेन दैट प्रॉपरली सेपरेट द डेटा पॉइंट्स या सपोर्ट वैक्टर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विदाउट एनी मिस क्लासिफिकेशन, ओके, सॉफ्ट मार्जिन क्या हो गया, वेन द डेटा इज नॉट परफेक्टली सेपरेबल और कंटेन्स आउटलायर्स, जब आउटलायर्स कंटेन करता है ना डेटा आपका, तो वो जिसको परफेक्टली आप सेपरेबल नहीं कर सकते हो तो उसे कहते हैं हम सॉफ्ट मार्जिन, भाई की एक सॉफ्ट मार्जिन आ रहे हैं यहाँ पर एक हार्ड मार्जिन है, एसवीएम परमिट्स अ सॉफ्ट मार्जिन टेक्निक्स, ईच डेटा पॉइंट हैज अ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम फॉर्मुलेशन विच सॉफ्टन्स द स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड परमिट सर्टन मिस क्लासिफिकेशन और वॉयलेंस वॉयलेशंस, इट डिस्कवर्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंक्रीजिंग द मार्जिन एंड रिड्यूसिंग वॉयलेशंस, देन वी हैव सी, वॉट इज सी, मार्जिन मैक्सिमाइजेशन एंड मिस क्लासिफिकेशन
फाइंस आर बैलेंस्ड बाय द रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी इन एसवीएम। द पेनल्टी फॉर गोइंग ओवर द मार्जिन और मिस क्लासिफिकेशन डेटा आइटम इज डिसाइडेड बाय इट। ठीक है, स्ट्रिक्टर पेनल्टी इज इम्पोज्ड विद अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ सी। जो ज़्यादातर पेनल्टी, अगर जितनी ज़्यादा सी की वैल्यू होगी उतनी पेनल्टी हम इसको दे रहे हैं, विच रिजल्ट इन द स्मॉलर मार्जिन एंड परहैप्स फ्यूअर मिस क्लासिफिकेशन। इसका क्या होगा कि जो मार्जिन होगा वो छोटा होगा, शायद फ्यूअर मिस क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, सो मार्जिन मैक्सिमाइजेशन और मिस जो क्लासिफिकेशन जो फाइंस है वो बैलेंस्ड होना चाहिए बाय रेगुलराइजेशन आपका पैरामीटर जो सी करता है एसवीएम के अंदर। हिंज लॉस हो गया, टिपिकली लॉस फंक्शन इन एसवीएम इज हिंज लॉस। इट पनिशेस इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन और मार्जिन वॉयलेशन। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन एसवीएम इज फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग इट विद द रेगुलराइज टर्म। देन वी हैव ड्यूअल प्रॉब्लम, अ ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स लोकेटिंग द Lagrange multiplier related to the support vector can be used to solve SVM. The dual formulation enables the use of kernel tricks and more effective computing. Okay, so ये देखो यहाँ पर सारी calculation है। अपन एक program पकड़ लेते हैं यार, ये program, ठीक है, इसको यहाँ खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर इस program को समझते हैं तो थोड़ा शायद अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने डेटा सेट लिया भाई, डेटा सेट से लोड ब्रेस्ट कैंसर का एक डेटा सेट हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट कर ली मैटप्लॉटलिब से, मैटप्लॉट जो है पाइप्लॉट है एज ए पीएलटी, इसकी वजह से हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, स्किटलर्न से हमने इंस्पेक्शन को भी इंपोर्ट किया, डिसीजन बाउंड्री डिस्प्ले, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। और एक सपोर्ट वैक्टर जो एसवीएम है उसको भी मैंने इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है, एसवीसी को। सो इन सब लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है वो अपना है कि यार सबसे पहले तो हमने डेटा जो लाए हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, तो कैंसर के अंदर हमने इस डेटा फ्रेम को, इस डेटा सेट को यूज़ कर लिया। ठीक है यार, डेटा सेट इसके अंदर डाल दिया, लोड कर लिया। अब क्या किया हमने, एक्स इक्वल टू कैंसर डॉट डेटा लगाकर हमने जो इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूस जो शुरुआत की जो एग्जैक्ट फर्स्ट टू कॉलम्स हैं डेटा डेटा की, वो इसके अंदर इंपोर्ट हो जाए, उसकी सारी रो और पहली दो कॉलम, ये इसका मतलब है सारी रो, इसका मतलब है सारी रो। अगर कॉलम के साथ में टू, अगर टू होता तो वो सेकंड नंबर के जो कॉलम है उसी को स्पेसिफाई करता, लेकिन यहाँ पर कॉलन के साथ में टू है, इसका मतलब है कि इससे पहले की जो जितनी भी रोज है, ठीक है, तो उसके साथ में वो सारी एक्स के अंदर चली जाएं और टारगेट के अंदर वाई वाला चले जाएं। ठीक है, बिल्ड द मॉडल, मॉडल बिल्ड करो। आरबीएफ, आरबीएफ के बारे में देखो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, कहाँ गया ने बताया था ना, यहाँ टाइप्स ऑफ, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यहाँ बताया था शायद, सपोर्ट वेक्टर, मार्जिन, कर्नल्स। हाँ, तो ये हो गया रेडियल बेसिस फंक्शन, ठीक है, इसी को आरबीएफ बोलते हैं। तो कर्नल में अपन सिग्मोइड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पोनोनोमियल भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियल बेसिस फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपनों को रेडियली वो चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। ये जो आरबीएफ है ये बेसिकली यूज होता है, ये टाइप ऑफ बेसिस फंक्शन ही है, कॉमनली यूज्ड इन मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस। आरबीएफ जो है वो एक मैथमेटिकल फंक्शंस है जो कि डिपेंड करता है डिस्टेंस, ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। दे आर ऑफन यूज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट डेटा इनटू हायर डायमेंशनल स्पेसेस, हायर डायमेंशनल स्पेसेस में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है, टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और टू डिफाइन डिसीजन बाउंड्रीज, डिसीजन बाउंड्रीज को भी डिफाइन करने के लिए बेसिकली ये यूज आता है। आरबीएफ आर टिपिकली डिफाइंड एज अ गॉसियन फंक्शन विद अ सेंटर एंड अ विड्थ पैरामीटर। द सेंटर रिप्रेजेंट्स अ प्रोटोटाइप और रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट एंड द विड्थ जो है वो पैरामीटर कंट्रोल्स द स्प्रेड और इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो ये होगी आरबीएफ की कहानी।
तो हमने कर्नल के एज ए आरबीएफ यूज किया, गामा 0.5 किया, गामा बेसिकली लर्निंग हो गया, सी जो मैंने आपको बताया था ये पेनल्टी हो गई, तो ये 1.0 हो गई। मैंने बताया था ना सी के बारे में, जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये सी वाली टर्मिनोलॉजी, तो ये मार्जिन जो मैक्सिमाइजेशन है या मिस क्लासिफिकेशन फाइन्स, जितना ज्यादा इसकी द पेनल्टी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सी के ऊपर। पेनल्टी ज्यादा होगी अगर सी की वैल्यू ज्यादा होगी हमारे पास में, ठीक है। तो सी की वैल्यू अपने इतनी रखी है, गामा लर्निंग फैक्टर हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्लासिफिकेशन। ओके सो हमने स्टार्ट किया ट्रेन दी मॉडल इस एसवीएम मशीन के अंदर। एसवीसी क्या हो गया आपका, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, जो कि आपने इसकी मदद से इंपोर्ट किया था, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्लास में आपने कर्नल के अंदर ये दे दिया, गामा जो लर्निंग वैल्यू है ये दे दी, लर्निंग फैक्टर और सी की वैल्यू जो कि पेनल्टी है, लिख देता हूँ इट रेफर्स टू द पेनल्टी। पेनल्टी को रेफर करती है, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रेनिंग डेटा दे दिया, वो तो देखो यार अपन हर एक प्रोग्राम में करते ही हैं, फिट करते हैं, ट्रेन कर दिया मॉडल को अपनों ने एक्स और वाई ये वैल्यू देकर। अब अपन को डिसीजन बाउंड्रीज, ये डिसीजन बाउंड्री प्रिंट करनी है। अगर ये पर्टिकुलर कोड नहीं करेंगे ना अपन, ठीक है, तो ये अपना चलेगा ही नहीं, ये पर्टिकुलर बाउंड्री आएगी नहीं। मैं एक बार इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं आया ना, ये कब आएगा, जब मैं वो पर्टिकुलर कोड चलाऊंगा, ये वाला कोड। तो ये रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये बाउंड्रीज लाने के लिए, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन इसी के लिए तो है कि एक अच्छी बाउंड्री हाइपर प्लेन लेके आ सके। आप यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट वेक्टर है इनके बिटवीन एक अच्छा हाइपर प्लेन लेके आया है, इनका मार्जिन भी एक सही मार्जिन है, ठीक है, सॉफ्ट मार्जिन है वैसे तो ये। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले एसवीएम, ये जो एसवीएम है ये देना है, डेटा देना है, ठीक है, दे दिया हमने एसवीएम, जो भी ट्रेन हुआ हुआ है एसवीएम है वही देना है, उसके अंदर डेटा एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, करवा दी। रेस्पॉन्स मेथड जो है वो प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, उसको अपनों ने प्रिडिक्ट कर दिया, रेस्पॉन्स मेथड ऑब्वियसली प्रिडिक्ट करेगा ये। इसके बाद में आपकी आ गई इसकी सी मैप, उसके अंदर हमने कर दिया प्लॉट सीएमसी सीएम स्पेक्ट्रल। अब आप कहोगे यार इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसके अंदर हो गया, एक सेकेंड, हाँ। यहाँ पर हमने जो एडिशनल पैरामीटर्स आर प्रोवाइडेड टू कस्टमाइज द डिस्प्ले सच एज कलर मैप, जिसको हम सी मैप भी बोलते हैं, ठीक है। एक कलर मैप हो गया, सी मैप को मैं कलर मैप बोल देता हूँ, सी कलर है ना। और ट्रांसपेरेंसी, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए तो अपनों ने अल्फा रखा है, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी। एंड एक्स एक्सिस लेबल के लिए एक्स लेबल हो गया, ठीक है, और वाई एक्सिस लेबल के लिए वाई लेबल हो गया, ये तो अपनों ने लेबलाइज किया है, ठीक है, ये एक्स लेबल और ये वाई लेबल, ये तो हमनों ने बेसिकली लेबलाइज करने के लिए उसको बोला है कि यार ये वाले लेबल दे दो, इनके नाम क्या होना चाहिए, एक्स लेबल का नाम होना चाहिए आपका मीन रेडियस, इस तरीके से लेबलाइज कर दिया बेसिकली, ठीक है। दो फीचर नेम दे दिया हमने यहाँ पर और उस नाम से हमने लेबलाइज कर दिया। तो इसके अंदर दो ही फीचर हैं क्योंकि अपने लिए ही दो थे, दो ही कॉलम ली थी, ठीक है, तो दो ही फीचर हैं, उन दोनों के नाम यहाँ पर मैंने इनपुट करवा दिया, ठीक है, हो गया भाई साहब। तो अल्फा मेरे को समझ में आ गया ट्रांसपेरेंसी है, और यहाँ पर ये कलर मैपिंग के लिए है, तो स्पेक्ट्रल कर दिया, कलर मैपिंग बताना जरूरी है क्योंकि स्पेक्ट्रल कर दिया कलर मैपिंग को तो अपनों ने, ठीक है। और यहाँ पर जो रेस्पॉन्स मेथड है, यहाँ इसको प्रिडिक्ट किया है टू यूज द क्लासिफायर प्रिडिक्ट, जो क्लासिफायर प्रिडिक्ट मेथड है प्रिडिक्शन के लिए, तो इसके लिए अपनों ने लिख देता हूँ मैं, ये बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए यूज में आता है ना। ये हो गया प्रिडिक्शन के लिए यूज में। आई होप आपको ये देखो चल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, ये एक्स लेबल हो गया वो हो गया, तो एक बार आप ये हटा लो, इसको इसमें डाल दो कुछ भी ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी,
देखो ये अगर नहीं देंगे हम तो काम नहीं करेगा, तो ये देना जरूरी है, इसको ये बताना जरूरी है कि भाई साहब कौन से लेवल की हम बात कर रहे हैं, कौन से फीचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दे दिया तभी ये काम कर रहा है, ठीक है। फिर स्कैटर करना, प्लॉट को स्कैटर करना, आपको पता ही है स्कैटरिंग के लिए आपको जितना भी स्कैटर डेटा है एक्स का, इन दोनों फीचर के ऊपर, इन दोनों एक्स और वाई के लिए, और सी इक्वल टू वाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, और एस इक्वल टू 20 हो गया, और जो एज कलर होगी वो के कर दिया आपने, एज कलर को, ये जो एजेज हैं इनकी उनकी कलर को के से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपने इसको प्लॉट करवाया, शो करवाया, तो हमारा ये पाई प्लॉट आ गया। अब एसवीसी को अगर हम लीनियर करते हैं यहाँ पर, इसकी जगह आरबीएफ की जगह अगर मैं लीनियर करता तो क्या होता, लीनियर करता तो क्या होता, ये देखो इस तरीके से सेपरेट करता, सिग्मोइड करता तो क्या करता, सिग्मोइड, ये सिग्मोइड, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक की अलग अलग वो है, पॉलिनोमियल करता तो पॉलिनोमियल, एक सेकेंड, पॉलिनोमियल तो था, इनसे नाम अच्छा, ये एरर ही आ रहा है, तो ये मतलब होगा नहीं, इसके अंदर काम करेगा नहीं, हालांकि करना तो चाहिए था, लेकिन अपन इसको आरजीबी ही सेट कर देते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से, अब मैंने यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन मॉडल बनाया जिसके अंदर मैंने लीनियर डाला और फिट किया ये वाला डेटा, और फिर इसको प्रेडिक्ट करवाया, मैंने पूछा कि भाई इस डेटा के ऊपर प्रेडिक्ट करो, तो इसने प्रेडिक्ट किया अरे जीरो को, ये बोल रहा है क्लास जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही अरे, ठीक है। सो इस तरीके से मैं प्रेडिक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।